गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में हमने पिछली क्लास में हैच एंड स्लैक जो चक्र है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि जो C4 पादप हैं उनकी पत्तियों में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। चूँकि क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, क्रेंज शारीरिक की होने की वजह से वहाँ पर दो प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, मीजोफिल कोशिकाएँ जिन्हें हम पर्ण मध्योतक कोशिकाएँ कहते हैं, और दूसरी जो है वो है बंडल सीप कोशिकाएँ जिन्हें हम पूल आच्छद कोशिकाएँ कहते हैं। तो पूल आच्छद कोशिकाएँ, जैसा कि डायग्राम से मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पत्ती में जो जाइलम और फ्लोयम है, जो वैस्कुलर बंडल है, उसके चारों तरफ माला रूपी पूल आच्छद कोशिकाएं पाई जाती हैं। और उन पूल आच्छद कोशिकाओं में जो मुख्य प्रोसेस है वो क्या होता है ये हम जानेंगे, और मीजोफिल कोशिकाओं में क्या होता है ये हम जानेंगे। तो हैच एंड स्लैक साइकिल की खोज हैच एंड स्लैक ने ही की थी। और उससे पहले जो कुछ वैज्ञानिक हैं, जैसे कैप्री लोव है, हर्ट है, बर है, ठीक है, कॉर्ट चैक है, इन वैज्ञानिकों ने मक्का और गन्ने पर प्रयोग करते हुए ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान C3 साइकिल के अलावा भी कुछ पादपों में एक और चक्र पाया जाता है जिसे हम C4 साइकिल कहते हैं। तो C4 पादपों में इस प्रकार का चक्र पाया जाता है। ये सारी डिस्कस हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे इसमें हैच एंड स्लैक साइकिल किस तरह से संपन्न होता है। ठीक है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि C3 साइकिल जरूरी नहीं है कि सिर्फ C3 पादपों में ही होता हो, C3 साइकिल C4 पादपों में भी होता है। मुख्य प्रोसेस जो है वो क्या है, C3 साइकिल ही है। कहाँ पर? C4 पादपों में भी। तो फिर इस चक्र का काम क्या है, हैच एंड स्लैक साइकिल करता क्या है? एक्चुअल में ये करता है CO2 का संश्लेषण, यानी CO2 की मात्रा को बनाए रखता है। किसके लिए? C3 साइकिल के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि जो CO2 यहाँ पर बन रही है ये आगे C3 साइकिल में चली जाती है, और वहाँ पर फिर क्या होता है, भोजन का यानी कार्बन का स्थिरीकरण होता है। तो अब देखिए, मीजोफिल कोशिकाएं ये रही और बंडल सीप कोशिकाएं। चूंकि मैंने बताया कि हैच एंड स्लैक साइकिल दोनों प्रकार की कोशिकाओं में संपन्न होता है, और होता कैसा है, देखिए C4 साइकिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? C4 साइकिल का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्लूकोज निर्माण के लिए C3 साइकिल को कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता करवाना, यानी कि C3 साइकिल के लिए ग्लूकोज निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को उपलब्ध करवाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। C3 साइकिल होगा C4 पादप हैं उनमें भी, परंतु इस साइकिल का काम क्या है, ये साइकिल जो है ये प्रोवाइड करवाता है CO2 को किसके लिए, C3 साइकिल के लिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो C4 पादप है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किसके द्वारा होता है, C4 पादपों में भी C3 पादपों की तरह ही CO2 का अपचयन किसके द्वारा होता है, C3 साइकिल के द्वारा होता है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो C3 साइकिल तो C4 और C3 दोनों तरह के पादपों में होगा, परंतु C4 साइकिल केवल कहाँ होता है, C4 पादपों में होता है, और इसका मुख्य काम है C3 साइकिल के लिए CO2 उपलब्ध करवाना, ताकि उस CO2 का अपचयन हो सके और ग्लूकोज का निर्माण हो सके। तीसरी बात ये कि C4 पादपों में ग्लूकोज का निर्माण होता कहाँ है, कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो C3 पादपों में जहाँ हम देखते हैं कि ग्लूकोज का निर्माण पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में होता है, यानी कि जो मीजोफिल कोशिकाएं हैं वहाँ पर होता है, लेकिन C4 पादपों में कहाँ होता है, बंडल सीप कोशिकाओं में होता है। जो पूल आच्छद कोशिकाएं हैं वहाँ पर C3 साइकिल संपन्न होता है। तो C3 साइकिल भी
बंडल शीत कोशिकाओं में संपन्न होता है और C4 साइकिल का भी हिस्सा होता है। कौन? बंडल शीत कोशिकाएं। तो बंडल शीत कोशिकाएं दोनों तरह के काम करती हैं, C3 साइकिल को कंप्लीट करती हैं और साथ ही साथ C4 साइकिल में भी अपनी भूमिका का निर्वाहन करती है। अब देखिए क्या है, H और स्लैग साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला यौगिक कौन सा होता है? PEP यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, इसे हम 3 कार्बन युक्त होता है, ये हो गया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, इसे फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड भी कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, PEP जो मुख्य एंजाइम होता है मेसोफिल कोशिकाओं में, वो कौन सा होता है? PEP यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम होता है। तो इस एंजाइम के उत्प्रेरण से इधर से ये क्या करेगा, CO2 को ग्रहण करता है, यानी ये CO2 ग्राही है, तो ये CO2 को ग्रहण करता है और CO2 को ग्रहण करने के बाद ये प्रथम स्थायी उत्पाद बनाता है जो कि 4 कार्बन युक्त होता है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है 4 कार्बन, और इसका नाम क्या है, ऑक्सैलो एसिटेट, इसे हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया है प्रथम स्थायी उत्पाद जो कि कैसा है, 4 कार्बन युक्त होता है। अब देखने वाली बात यह है कि C4 साइकिल की बात करें तो उसमें जो उत्पाद बनेगा ये 4 कार्बन युक्त ऑक्सैलो एसिटेट, ये कैसा है, ये अस्थिर यौगिक है, ये अनस्टेबल है, यानी कि अस्थिर यौगिक है। तो इस अस्थिर यौगिक से आगे किसका निर्माण होगा, मैलेट या फिर एस्पार्टेट का निर्माण होता है। मुख्य क्रिया किसके साथ समझनी है, हमें मैलेट के साथ समझनी है, बनता एस्पार्टेट भी है लेकिन वो दूसरी तरह के कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो OAA है उस अस्थिर यौगिक से आगे किसका निर्माण होगा, एस्पार्टेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो इससे बनने वाले जो मैलेट या एस्पार्टेट हैं वो कैसे होते हैं, स्थिर यौगिक होते हैं, मैलिक एसिड भी बोल सकते हैं और एस्पार्टिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से डीहाइड्रोजिनेसिस क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा, डीहाइड्रोजिनेसिस क्रिया द्वारा, यहाँ पर आप देखेंगे डीहाइड्रोजिनेसिस हो रहा है, यानी जो फास्फेट है वो निकलेगा, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ काम आएगा और इस क्रिया द्वारा NADPH2 के सहयोग से फिर क्या बनेगा, मैलेट बनता है, ये मैलेट बन चुका है और मैलेट बनने के बाद ये मैलेट बना कहाँ है, ये बना है मेसोफिल कोशिकाओं में और अब ये मैलेट बंडल शीत कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में ट्रांसफर हो जाता है। ये मैलेट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बंडल शीत कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। तो ये मैलेट यहाँ से यहाँ आ चुका है। अब ये देखिए ये कौन सी कोशिका है, ये है बंडल शीत कोशिका, तो ये रहा मैलेट। ठीक है, अब इस मैलेट का क्या होगा, वी कार्बोक्सिलीकरण होगा, यहाँ पर तो कार्बोक्सिलेशन हो रहा था, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वी कार्बोक्सिलीकरण होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल गई और किसके लिए उपलब्ध हो जाती है, ये C3 साइकिल के लिए उपलब्ध हो जाती है और ये C3 साइकिल कंप्लीट कहाँ पर होगा, इन्हीं बंडल शीत कोशिकाओं में होता है। और इधर ये मैलेट जो है ये मैलिक एंजाइम के उत्प्रेरण से यहाँ पर देखिए NADPH2 का अपचयन हो जाएगा और फिर बना लेता है पाइरुविक एसिड, ये पाइरुवेट बन गया है, ये पाइरुवेट अब फिर कहाँ जाएगा, वापस ये चला जाएगा मेसोफिल कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, ये यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर ये ATP के सहयोग से डाइकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फिर से PEP यानी फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड का निर्माण कर लेता है और ये पाइरुवेट, ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है ये फिर से CO2 ग्राही का काम करता है। तो ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहता है, यानी यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब यानी ग्राही होता है तो ये ग्रहण करेगा, फिर कार्बोक्सिलेशन
कि क्रिया द्वारा कार्बोक्सिलीकरण द्वारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का निर्माण करेगा जो कि अस्थाई यौगिक है। इस अस्थाई यौगिक से आगे डीहाइड्रोजिनेसिस क्रिया द्वारा मैलेट या एस्पार्टेट का निर्माण होता है। ये मैलेट फिर मीजोफिल कोशिकाओं से बंडल शीत कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाता है उसके कोशिका द्रव्य में। यहाँ पर इस मैलेट का फिर आगे वी कार्बोक्सिलीकरण होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और C3 साइकिल के लिए उपलब्ध हो जाएगी। ये C3 साइकिल जो है वो बंडल शीत कोशिकाओं में ही संपन्न होता है और इधर ये NADPH2 का फिर से अपचयन हो जाएगा और मैलिक एंजाइम के उत्प्रेरण से मैलेट आगे किसका निर्माण करेगा, पाइरुवेट का निर्माण करेगा। ये पाइरुवेट फिर से मीजोफिल कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर ये ATP के साथ क्रिया करेगा और फिर बना लेगा पाइरुवेट दोबारा से फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड जो कि फिर से CO2 ग्राही का काम करता है और फिर से ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें देखने वाली बात ये है, यहाँ पर देखें हम कि ATP से AMP में रूपांतरण हो रहा है, यानी जो ट्राईफॉस्फेट है वो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रही है। तो AMP, इस AMP से दोबारा से ATP का निर्माण जब होता है, यानी ATP को अगर पुनर्उत्पादन करना है AMP से, तो उसके लिए 2 ATP की आवश्यकता होती है। कितने ATP की आवश्यकता होती है? 2 ATP की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपको ये हमेशा याद रखना है कि C3 साइकिल में तो कुल मिलाकर 18 ATP काम आ रहे थे, लेकिन हैच एंड स्लैग साइकिल में कितने ATP काम आते हैं? कुल मिलाकर 30 ATP काम आते हैं। अगर 6 से गुना किया जाए तो 6 × 12 यानी 12 अतिरिक्त ATP का काम होता है। कहाँ पर? हैच एंड स्लैग साइकिल में। तो ये साइकिल आप अच्छी तरह से याद कर लेना, बहुत ही आसान है, C3 साइकिल की अपेक्षा काफ़ी आसान है। मीजोफिल कोशिकाओं से शुरू होता है और मीजोफिल कोशिकाओं में ही कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सिर्फ मध्य का हिस्सा है जहाँ पर कैल्विन साइकिल कंप्लीट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तो कैल्विन साइकिल में आगे फिर ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा और फिर से CO2 ग्राही का निर्माण हो जाएगा। तो ये है मीजोफिल कोशिकाएं और बंडल शीत कोशिकाओं में संपन्न होने वाला हैच एंड स्लैग साइकिल। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ मोटे रूप में, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हैच एंड स्लैग साइकिल C4 पादपों में संपन्न होता है। पहली बात ये, C4 पादपों में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, मीजोफिल कोशिका और बंडल शीत कोशिका। मीजोफिल कोशिका में कार्बोक्सिलेशन होगा, बंडल शीत कोशिकाओं में कैल्विन साइकिल भी कंप्लीट होता है जिससे आगे ग्लूकोज का निर्माण होता है। हैच और स्लैग साइकिल का मुख्य उद्देश्य है C3 साइकिल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को उपलब्ध करवाना जिससे कि आगे ग्लूकोज का निर्माण हो सके। ठीक है, ये क्रिया दोनों ही कोशिकाओं में संपन्न होती है। मीजोफिल कोशिकाओं में फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड होता है जो कि CO2 ग्राही का काम करता है। ये PEP जो कि मुख्य एंजाइम है, PEP कार्बोक्सिलेज, उसके उत्प्रेरण से ये OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटेट का निर्माण करेगा जो कि अस्थिर यौगिक है। ये अस्थिर यौगिक आगे डीहाइड्रोजिनेसिस द्वारा आगे मैलेट या एस्पार्टेट का निर्माण करेगा। जो मैलेट है वो आगे फिर बंडल शीत कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर ये वी कार्बोक्सिलेशन की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को तो कैल्विन चक्र के लिए बाहर निकाल देगा और फिर आगे ये बना लेगा मैलिक एंजाइम की सहायता से पाइरुवेट। ये पाइरुवेट फिर से मीजोफिल कोशिकाओं में ट्रांसफर होगा जहाँ पर ये ATP और डाइकाइनेज के उत्प्रेरण से फिर से PEP यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण करेगा जो कि फिर से CO2 ग्राही का काम करता है। तो मूल बात यही है। ठीक है, अब ये तो हुआ चक्र, अब हम जानेंगे कौन से वो पादप हैं जिनके अंदर एस्पार्टेट भी बनता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर एस्पार्टेट भी बनता है। देखिए, 2 वैज्ञानिक थे, एक का तो नाम है कॉलेट और दूसरा है ऑर्गेन।
इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस जो ये जो पादप हैं कौन से C4 पादप, उनको तीन भागों में डिवाइड किया था। किसके आधार पर? C4 पादपों के तीन वर्ग बनाए थे इन्होंने, ठीक है। C4 पादपों के कितने वर्ग बनाए? तीन वर्ग बनाए। कौन कौन से? देखिए, पहला तो ये है जिसमें PEP से क्या बनेगा? OAA बनेगा, ठीक है। पहले प्रकार के कौन से हैं? PEP से OAA बनेगा, मतलब सीधी भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। और इससे फिर आगे, क्योंकि ये अस्थिर है, इससे फिर आगे मैलेट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? मैलेट बनेगा, यानी, और मैलेट का फिर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ये ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पर? बंडल सीथ कोशिका में। तो पहले प्रकार के पादप तो इस प्रकार की क्रिया करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से पादप आ जाते हैं? जैसे सेकेरम ऑफिसिनेरम क्या होता है? गन्ना होता है, ठीक है। और दूसरा जो इसमें जो है एग्जांपल, वो है ट्रिटिकम स्पीसीज। ये क्या है? ये है गेहूं की जातियां, ठीक है। तो ये पादप ऐसे हैं जिनके अंदर PEP से पहले ऑक्जेलो एसिटेट बनेगा, फिर मैलेट बनेगा, और मैलेट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? बंडल सीथ कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाएगा। अब दूसरी तरह के पादप कौन से हैं? दूसरी तरह के पादप वो हैं जिसमें PEP से क्या बनेगा? OAA बनेगा, ठीक है। OAA में ट्रांस एमिनेशन हो जाता है, ट्रांस एमिनीकरण की क्रिया हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखें हम, इससे क्या बनेगा? एस्पार्टेट बन जाएगा। क्या बनेगा? एस्पार्टेट। कौन सी क्रिया द्वारा? ट्रांस एमिनेशन। ये हो जाएगा ट्रांस एमिनेशन, वी एमिनीकरण, ठीक है। एमीन ग्रुप जो है वो डिसमिस हो जाएगा, ट्रांस एमिनेशन। तो एस्पार्टेट बन जाएगा, और एस्पार्टेट जो है वो कहाँ चला जाएगा? अब पूल आच्छद कोशिकाओं में चला जाएगा, यानी ये बंडल सीत कोशिकाओं में चला जाएगा, ठीक है। अब ये बंडल सीत कोशिकाओं में जाने के बाद फिर से क्या करेगा? ये फिर से इसमें क्या हो जाएगा? ट्रांस एमिनेशन फिर से हो जाएगा, और दोबारा क्या बनेगा? OAA बनेगा, यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के पादप कौन से हैं? जैसे पैनिकम मैक्सिकम। और तीसरी तरह के पादप कौन से हैं? तीसरी तरह के वो हैं जिनमें PEP से क्या बनेगा? OAA से मैलेट, ठीक है। OAA से क्या बन गया? मैलेट। और मैलेट फिर आगे कहाँ ट्रांसफर होगा? बंडल सीत कोशिकाओं में। ये हो गया बंडल सीत कोशिका, और बंडल सीत कोशिकाओं में ट्रांसफर होने के बाद फिर क्या होगा? फिर ये ट्रांस एमिनेशन द्वारा फिर से OAA बना लेगा, और OAA इस तरह से आप देख सकते हैं, अंतर देख सकते हैं आप तीनों में किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। और इसका एग्जाम्पल है एट्रीप्लेक्स, ठीक है। तो इस तरह से C4 पादपों के तीन वर्ग बताए हैं, तो ये आप चाहो तो याद रख सकते हो, और नहीं चाहो तो मत याद रखो, ठीक है। आगे है C4 चक्र का जैविक महत्व क्या है? C4 चक्र का जैविक महत्व, देखिए C4 चक्र जो है वो C4 पादपों में अगर CO2 की सांद्रता कम है तब भी क्या हो जाएगा? C4 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं C4 पादप। अगर CO2 की सांद्रता कम भी है तो भी ये क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, इसलिए ये जैविक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि इनमें प्रकाशीय श्वसन का अभाव होता है, और हम सब जानते हैं श्वसन क्या है। श्वसन एक नष्ट करने वाली प्रक्रिया है, तो इसमें प्रकाशीय श्वसन का अभाव होता है, इसलिए C4 पादपों में उत्पादकता यानी उपज जो है वो ज़्यादा होती है।
ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उसमें कोई कमी नहीं आती। उसमें कमी तब आती जब इसमें प्रकाशीय शोषण भी होता, तो C4 पादपों में प्रकाश शोषण होता नहीं है, एब्सेंट होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और इसी वजह से C4 साइकिल आराम से हो जाता है। और तीसरा क्या है इसमें कि C4 पादपों में उनकी मीजोफिल कोशिकाओं में PEP कार्बोक्सिलेज मुख्य एंजाइम होता है, यानी फास्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो मुख्य एंजाइम होता है, और जो कि कम सांद्रता पर भी सक्रिय हो सकता है, यानी सक्रिय होता है ये कम सांद्रता पर भी, इसलिए भी क्या होता है C4 साइकिल आराम से कंप्लीट हो जाता है। C4 पादप जो हैं वो कम जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ पर जल की मात्रा जो है वो कम होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो उच्च तापक्रम हैं वहाँ ऐसे जो एरियाज हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर तापमान कैसा हो, उच्च हो, तो वहाँ पर भी इस तरह के पादप उपलब्ध होते हैं, तो ऐसे माहौल में ये आसानी से उगाए जा सकते हैं। ये इनका जैविक महत्व बता रहा हूँ मैं, ये ऐसे माहौल में क्या हो सकते हैं, आराम से इनको उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि C4 पादप जो हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के सर्वाधिक सफल पादप हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के सर्वाधिक सफल पादप हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, C4 पादप क्या करते हैं, उनका जैविक महत्व क्या है, या हम यूँ कहें कि C4 पादप और C4 साइकिल का महत्व क्या है। ठीक है, तो आपको इन दोनों ही टॉपिक से इसको याद रखना है कि C4 पादप कार्बन डाइऑक्साइड की कम उपलब्धता या कम सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं। दूसरा, इनमें प्रकाशीय शोषण का अभाव होता है, चूँकि प्रकाशीय शोषण एक नष्टकारी प्रक्रिया है, इसलिए प्रकाशीय शोषण का अभाव होने की वजह से इनमें प्रकाश संश्लेषण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसीलिए इनकी उपज या इनकी उत्पादकता ज़्यादा होती है। तीसरा, C4 पादपों में उनकी मीजोफिल कोशिकाओं में जो मुख्य एंजाइम फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड पाया जाता है वो कम सांद्रता पर भी कैसा होता है, सक्रिय होता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। चौथा ये कह सकते हैं कि जो C4 पादप है वो कम जल वाले स्थानों पर और अधिक तापमान वाले स्थानों पर आसानी से उगाए जा सकते हैं, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि C4 पादप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के सर्वाधिक सफल पादप माने जाते हैं लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। ठीक है, आप देखिए आगे कुछ अंतर हैं C4 और C3 पादपों में, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, C4 और C3 पादपों में अंतर है, ये पादप में अंतर है ना कि चक्र में। ठीक है, तो पहला अंतर क्या है, पहला अंतर तो यही है कि C4 पादप इधर लिख देता हूँ, C3 उधर C4। ठीक है, तो C3 पादपों के लिए जो उच्चतम तापमान है या एक अनुकूल तापमान है वो कितना चाहिए, अनुकूल तापमान कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और C4 पादपों के लिए कितना होना चाहिए, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि ये इतने टेम्परेचर पर अपनी लाइफ साइकिल को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा अंतर है क्रेंज शारीरिकी। तो यहाँ पर C3 पादपों में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, जबकि C4 पादपों में ये प्रेजेंट होती है। तीसरा अंतर ये है कि इनमें प्रथम स्थायी उत्पाद ये क्या बनता है, 3PGA बनता है, जो कि कैसा होता है, 3 कार्बन युक्त होता है, या PGA इस तरह से लिख सकते हैं, कितने कार्बन युक्त है, 3, और यहाँ पर क्या होता है, 4 कार्बन युक्त OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है। ठीक है,
इसके बाद अगला जो है सी जो CO2 फिक्सेशन का स्थल है, CO2 फिक्सेशन का स्थल यानी CO2 का फिक्सेशन कहाँ होता है, कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो C3 पादपों में केवल कहाँ होता है, केवल मीजोफिल में, ठीक है, केवल मीजोफिल कोशिकाओं में होता है, क्लियर। और यहाँ पर दोनों में होता है, यानी मीजोफिल में भी होता है एंड बंडल सीथ, मीजोफिल में भी है और साथ ही साथ बंडल सीथ में भी होता है, ठीक है, इस तरह से क्लियर। इसके बाद आता है यहां पर CO2 ग्राही कौन है, यहां पर तो है RUBP यानी राइबुलोज 1,5-डाइफॉस्फेट, ठीक है, और यहां पर कौन है PEP, यहां पर CO2 ग्राही कौन है PEP फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। इसके बाद है यहां पर एंजाइमों की अगर बात की जाए तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, रूबिस्को, रूबिस्को कौन सा, रूबिस्को, ठीक है, और यहां पर दोनों होते हैं, यहां पर PEP कार्बोक्सिलेज और साथ ही साथ क्या होता है, रूबिस्को। तो इस तरह से यहां पर ये दोनों एंजाइम है, क्लियर। इसके बाद अगला क्या है, प्रकाश श्वसन, प्रकाश श्वसन, तो इसमें तो प्रेजेंट होता है C3 पादपों में, लेकिन यहां पर कैसा होता है, ये एब्सेंट होता है, क्लियर, यानी प्रकाशीय श्वसन नहीं पाया जाता है C4 पादपों में। उत्पादकता की अगर बात की जाए, उत्पादकता, तो उत्पादकता जो है वो इनकी ज़्यादा, इनकी कम होती है, ठीक है, और इनकी ज़्यादा होती है, इसको साइकिल ही कर लो, C3 साइकिल और C4 साइकिल में अंतर, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। इसके बाद अगला जो है वो आता है इसमें हाँ ठीक है, ये इतना ही अंतर है इसमें, C3 साइकिल और C4 साइकिल में अंतर क्या है कि इसको तो कंप्लीट होने के लिए 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, अनुकूल तापमान, और यहाँ पर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होगी। क्रैंज एनाटॉमी C3 साइकिल में नहीं होती है क्योंकि C3 पादपों में क्रैंज एनाटॉमी होती नहीं है, C4 साइकिल में ये प्रेजेंट होती है क्रैंज एनाटॉमी। प्रथम स्थायी उत्पाद C3 साइकिल में क्या बनता है, 3 कार्बन युक्त PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जबकि C4 साइकिल में क्या बनेगा, 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहां पर C3 साइकिल में CO2 फिक्सेशन का स्थल क्या होता है, केवल मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं जहां C3 साइकिल कंप्लीट होता है, लेकिन यहां पर C4 साइकिल जो है वो दोनों कोशिकाओं में होता है, बंडल सीथ और मीजोफिल कोशिकाएं। CO2 ग्राही यहां पर RUBP होता है, यहां पर PEP होता है, एंजाइम यहां पर रूबिस्को, यहां पर दोनों होते हैं, ठीक है। प्रकाशीय श्वसन C3 साइकिल के दौरान नहीं होता है, जबकि इसमें होता है लेकिन इसमें नहीं होता है। उत्पादकता C3 साइकिल की वजह से कम होती है जबकि C4 साइकिल की वजह से ज़्यादा होती है, तो ये अंतर है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे C3 और C4 पादपों में अंतर, ताकि और अगर कुछ कमी रह गई है तो वो कंप्लीट हो जाए। आज के लिए बस, धन्यवाद, थैंक यू।